भाई लोगों, अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। सारा लोड हो रहा है गाड़ी में सामान। फिर उससे बनी छोटा भाई, ये उस अब पार्क कर दिया है। सफर बहुत ज़्यादा लंबा था, इंटरेस्टिंग था, नो डाउट। गुड मॉर्निंग गाइस, अनदर डे अनदर व्लॉग। अभी उठे ये दोनों सो के, 9:30 बज रहे हैं। रात को काफ़ी लेट हो गया था सोने में। फ्रेश होएंगे, खाएंगे पिएंगे, उसके बाद देखते आगे का क्या प्लान है। अभी जहाँ कल रात को फंक्शन हुआ था, एक फंक्शन तो अभी वहाँ पे हो गया, लेकिन मेन इवेंट आज है, तो आज तो ज़्यादा मेहमान भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। कल तो बहुत कम था। जहाँ पे कल शाम को फंक्शन था गए थे, मैं बताया था आपको जो वीडियो पिछले वाले व्लॉग में आपने देखी थी, वहाँ पे अभी भी हो रहा है थोड़ा सा, स्टार्ट हो चुका है वहाँ पे धीरे धीरे से। यहाँ थे कल रात को हम शाम के टाइम पे। आगे हुआ क्या कि यार कल फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी रात को। बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जो मैं दिखा नहीं पाया, जैसे कि यहाँ की जो फेवरेट डिश है ट्रेडिशनल, वो खाई मैंने, उसका नाम है सिड्डू। अब बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों ने नाम सुना भी होगा इस चीज़ का। बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है वो खाने में, सिड्डू खाया। तो वीडियो मैं बना नहीं पाया क्योंकि यार फ़ोन डेड हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा लाइट का इशू था, तो लाइट चली गई थी। उसके बाद फिर चार्ज किया, काफ़ी सारे लोग आ गए थे, मेहमान आ गए थे, उस चक्कर में ज़्यादा फ़ोन चार्ज भी नहीं कर पाया था, लाइट भी लेट आई थी। तो सोचा कि अब नेक्स्ट वाले व्लॉग में ही सब कुछ कवर करूँगा। बाकी भाई मॉर्निंग में इस व्यू से अच्छा और क्या देखना है, ये देखो। तो अभी हम जा रहे हैं दूसरे वाले घर में, जहाँ पे कल पहुँचने के टाइम पे आए थे, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ मैं सोने आए थे। तो अभी वहाँ जाके ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। भैया हेलो, इस गाय का नाम गंगा है। बाय। ऐसे ही क्यों? ऐसे। अगर आज आपका बर्थडे तो आप पार्टी क्यों नहीं करा? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अच्छा ये घर है, ये घर है। पुलिस आए थोड़ी ना होते, भैया होते हैं करण भैया। तो बैठ जाओ प्लीज, क्लास कर दिया आपकी। पार्टी नहीं कराओगे बर्थडे की आज? क्यों ऐसे क्यों? फिर क्या करते हैं? फिर मैंने बोला फिर कहाँ चलो कर, चलो पार्टी में चलो। अरे वो भी तो लाना पड़ता है, बलून केक लाना पड़ता है। अच्छा केक लाना हैप्पी बर्थडे बोल दे। हैप्पी बर्थडे। अरे इसका बर्थडे है, इसका बर्थडे बोलो है ना। इसका थोड़ी ना देखो कितनी क्यूट है यार ये। हेलो। इसको देख के ना पता नहीं क्यों मेरे को मेरी डेजी की याद आ रही है। और मेरे बगैर वैसे भी डेजी बहुत ज़्यादा मेरे को मिस करती है, रात हो जाता नहीं उसको मेरे बगैर, आदत हो गई है ना मेरी बहुत ज़्यादा उसको इस करके। बाकी कल मम्मी से पूछ रहा था कि क्या कर रही है डेजी, तो कहते कि मतलब जहाँ मैं मेरा रूम है, जहाँ मैं सोता हूँ, कहते वहीं पर सोई पड़ी है। भाई साहब बहुत रोने वाली हो जब मैं वापस जाऊँगा। सब मैं जो आपको बता रहा था ना व्यू के बारे में, मैंने ये खुद अभी अभी देखा, क्योंकि वहाँ से थोड़े बहुत बादल हट गए हैं। तो भाई साहब एक बार ये व्यू चेक करो आप, वो देखो सामने, पता नहीं ग्रेटर हिमालय, हिमालय पर्वत वाला वो है, ये वाला एरिया ये जो पीछे दिख रही है ना आपको, एकदम बर्फ बर्फ वाली पहाड़ियाँ। भाई साहब बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है यार देखने पे। कैमरा इसको वैसे जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, लेकिन जो मतलब मैं अपनी नेकेड आई से देख पा रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है भाई, बहुत ज़्यादा। एक ब्रेकफास्ट हो गया है वो भी इतने अच्छे व्यू के साथ। अभी जा रहे हैं वापस से वहाँ पे जहाँ पे कल रात को सोने गए थे, क्योंकि वहाँ से ही मैं भी नीचे जाने का प्लान करेंगे जहाँ पे वो फंक्शन हो रहा है मंदिर के पास। और अभी वहाँ पे फिर से चलने लग रहा है फंक्शन, तो अभी सोच रहे हम कि वहीं जाके करेंगे अपना जो भी करना है। आज का जो है मेन इवेंट है, तो आज तो भीड़ भी बहुत होगी, और ये आज पूरे दिन और आज की पूरी रात, अगले दिन के मॉर्निंग तक चलने वाला है ये फंक्शन। तो भाई आज जो होगा वो असली फन होगा। बस मैं तो यही प्रे करता हूँ कि लाइट हो और फ़ोन में बैटरी हो, इससे ज़्यादा मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, तभी मैं पूरा कवर कर पाऊँगा। पुराने वाले व्लॉग में पूरी बैटरी चले गई थी यार, जिस वजह से फिर मैं प्रॉपर वीडियो भी नहीं बना पाया था, 6 मिनट की 6-7 मिनट की वीडियो बनी थी। बाकी अभी जा रहे हैं वहाँ पे,
ये देखो छोटा स्विमिंग पूल। अभी का कुछ सीन ऐसा है कि यहाँ पे सूतक बन रहा है, मतलब एक सूत का धागा होता है जो कि पूरे गांव में, पूरे गांव को कवर करेगा, तो उसी के लिए सब लोग जा रहे हैं यहाँ से। अभी ऊपर उनके हाथ में है। ये देखो बेसिकली जो ये सूतक बांधा है पूरे उसमें, भाई साहब तो देख रहे हो कितनी ज्यादा तेज है यहाँ पे। अब ठंड खुद ही कर लेना कितनी ज्यादा ठंड होगी कि मेरी शायद से आवाज भी ना आ पा रही हो, हवा बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो मैं कह रहा था कि जो सूतक का मेन पर्पज है वो रहता है सब प्रोटेक्शन वाइज, कि पूरे गांव को कवर करेगा ये धागा रात को, ठीक है। तो पूरी रात जो लोग हैं वो इसकी प्रोटेक्शन करेंगे, और मतलब कि कोई ऐसा आके तोड़ ना दे, काट ना दे, ऐसा कुछ कुछ था इस चीज़ का जितना मेरे को याद है। बाकी इसका मेन पर्पज़ यही होता है कि भाई पूरे गांव की ऐसा सेफ्टी के लिए बांधा जाता है ये, बाकी इससे ज़्यादा मैं भी नहीं जानता। यहाँ पे ठंडी हवा इतनी ज़्यादा चल रही है ना कि मतलब पूरा ड्राई हो गया स्किन वगैरह भी, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में दिखाया था ना वो वाला जो एरिया था सामने पहाड़ वाला, जहाँ से एकदम बर्फ बर्फ वगैरह दिख रही थी, वहाँ से ठंडी ठंडी हवा आ रही है यहाँ पे पूरे में। और एक तो हाई एल्टीट्यूड इतना है यहाँ का कि हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही है और वो भी बहुत ज़्यादा ठंडी। हाय, क्रीम लगा लगा के सुबह से लेके यही कर रहा हूँ मैं तो। बाकी यार अभी तो ऐसा सीन हो रखा है कि कुछ इनके घर में किसी की डिलीवरी हो गई है, तो जिस वजह से अभी मतलब मंदिर में नहीं जा पाएंगे ये लोग सारे, मतलब जिनके घर परिवार वाले हैं। तो फिर मैंने उसने अभी ये डिसाइड किया कि हम कहीं ऊपर को घूमने के लिए जाएंगे, कहीं पे यहीं आसपास कहीं जंगल की तरफ को एक ट्रैक है छोटा सा, वहाँ पे जाएंगे। बाकी देखते हैं अभी क्या रहता है आगे का। भाई अपना ट्रैक हो गया यहाँ से स्टार्ट, देखो ये ट्रैक, मैं और ये निकल पड़े हैं ट्रैक के लिए, क्योंकि अभी तो फंक्शन है नहीं कुछ ज़्यादा, खाने पीने का भी अभी कोई सीन नहीं है। मैंने सोचा कि थोड़ा आगे घूम के आते हैं, एक्सप्लोर करते हैं ज़रा। बगीचा है सुशांत का, ये बता रहा है, ये हमारा ऐसा इसने क्लेम किया है, एप्पल ऑर्चिड है। ऊपर जाके देखते कितना कितना ज्यादा बड़ा है बगीचा। अभी तो ये पे, ये वो है ना, क्या बोलते हैं इसको, सेब के है ना, अभी खाली सेब के पेड़ वो है, अभी वो नहीं है, हमारे सेब लगते हैं वो लगेंगे दोस्तों नहीं, जून जुलाई तक लग जाते हैं, और जुलाई अगस्त के ऑर्डर लिखवा दिया सारे निकलता है। बाकी अगर आपको सेब चाहिए तो डायरेक्ट आप ऑर्डर कर सकते हैं, ऑर्डर लिखवा दियो मेरे को सारे के सारे, जिसको भी सेब चाहिए डिस्क्रिप्शन में करेट की करेटी आएगी घर में। नहीं, सेब नहीं भाई, हमारे पेटियां होती है। अच्छा, पेटियां पेटी के साथ मिलेगी, पेटी पैक मिलेगा, और सेब मात्र 5,000 रुपए, 5,000 की पेटी। एडवांस में बता दिया, बुकिंग करवा लियो अपनी अपनी जिसको भी चाहिए। देख लो नीचे खाई, ये रास्ता, ये खाई यहाँ पे ना, इस पॉइंट में स्लाइड हुआ था बारिश से, कौन स्लाइडिंग हुई थी। अच्छा अच्छा, यहाँ से लैंडस्लाइड हुआ था, देख ले कितना पूरा यही गया, कट के जमीन बहुत तगड़ी। ओ, ये वाला जो हाँ दिख रहा है, ये वाला एरिया पेड़ पूर ले, ये दिख रही है सीधी खड़ी चढ़ाई है, चढ़ने की हिम्मत नहीं है इतनी तो, इतना एंड्योरेंस नहीं है भाई, इतना नहीं है, ट्रेन करना पड़ेगा कार्डियोवैस्कुलर के लिए, कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी पहले इसको ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए। आज रियलाइज़ हो गया सिर्फ वेट उठाने से कुछ नहीं होता भाई, प्रॉपर जो है अच्छे से ट्रेनिंग करा करो, नहीं तो सांस फूल जाएगी। और कुछ आजकल के, और तू क्या कर रहा है कुछ। यहाँ पे ना गांव से थोड़ा सा ऊपर आते ही एक स्पॉट है, मतलब पानी वाला एरिया है ये भाई, इतना ज़्यादा ठंडा है ना, ये मैं निकालता हूँ, ये भाई इतना ज़्यादा ठंडा है, मैं कहूँ कि एकदम ऐसा है कि फ्रिज का पानी है। पहाड़ों में ये अच्छी चीज़ होती है कि यहाँ पे ना ट्रैकिंग के लिए जा सकते हैं कहीं भी तुम, अगर गांव में अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा चल पड़ो कहीं भी, व्यूज इतने प्यारे प्यारे दिखते हैं ना, ये देखो भाई साहब, यही व्यू तो मैं मिस कर रहा था, इसी चीज़ की तो मेरे को ऐसे हो रहा था कि बस मेरे को निकलना है घर से बाहर, को बाहर जाना है कहीं पे, और इतनी शांति है ना भाई।
एक चीज़ होती है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये ब्राउन ब्राउन ऑरेंज ऑरेंज सा, ये जो है चीड़ के पेड़ से निकल गिरता है और इस पर इतना ज़्यादा फिसलते हैं ना, तो अगर ऐसा आप उतराई में कभी आ रहे हो और इस पर अगर पैर पड़ जाए तो भाई बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है। ये देखो बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है। पहाड़ में एक सेफ्टी टिप देता हूँ, जब भी पहाड़ में कहीं ट्रैक कर रहे हो और आपको ऐसा कुछ दिखे ना भाई, बहुत केयरफुली होकर चलना वहाँ पे। कब फिसल जाओ, कब दांत टूट जाए और कब शक्ल का नक्शा बिगड़ जाए, पता नहीं लगेगा। एक और चीज़ मैंने नोटिस करी कि पूरे रास्ते में, पूरे इस जगह पे जहाँ पे मैं हूँ ना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा गिरी हुई है। ये अब मेरे को नहीं पता इसको बोलते क्या है, इसका नाम क्या है। देखो यहाँ पे भी है, अगर आप में से किसी को भी पता है इसका नाम क्या है भाई बता दो यार। भाई साहब ट्रैक को इनकम्प्लीट छोड़ के अब चल पड़े वापस नीचे रूम पे। ट्रैक नहीं होने का भाई, हमारे बस का नहीं है ट्रैक। इसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ेगी पहले ट्रैक करने के लिए। हार मान चुके, हार मानते हुए निराश निराशा निराशाजनक वापस रूम की तरफ जाते हुए। जो भी है भाई पता तो लग गया कि चलो कितने पानी में। और गाँव की लाइफ बहुत हार्ड लाइफ है, बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा हार्ड लाइफ। मैं तो आ गया रूम, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया था यार, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। अभी थोड़ा रेस्ट करूँगा, अब डायरेक्ट जो वीडियो शूट होगी वो होगी रात की, जो मेन इवेंट है, तो तब तक के लिए साइनिंग ऑफ बाय। आई एम बैक, रेस्ट करके थोड़ा अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी मैं बैठा हूँ किचन में, क्या कह रहे हो? यही ठीक है, चलो खाना खाना। ये हमारे दरवाजे से, ये है मेन एंट्रेंस। छोटा दरवाजा दिखा, कितना छोटा है, ये पुराना है ना। ये देखो छोटा सा दरवाजा, इसको करो बंद। क्यों? क्योंकि हम खा रहे हैं। ये ब्लॉग देखेंगे ना उनको तो पता लग जाएगा कि हमने ये किया, क्योंकि यहाँ पे मिठाई रखी है। तो मिठाई हम ऐसे करते हैं, जब सब लोग बैठे होते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट सबके सामने, मतलब सबको करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे कोई है नहीं तो हम इसका फायदा उठा रहे हैं। तो अभी हम चुपके से चोरी करके यहाँ बेसन खोल के वो खाएंगे, या दो तीन डब्बे मिठाई के, जिसने कि रोनू ने किया है पहले, मेरा कजिन, उसने शुरुआत की है। अब हम भी इसमें हाथ मारते हैं और ये बहुत टेस्टी है बेसन। सब लोग नीचे लिम्बर देखने गए हैं जहाँ पे फंक्शन हो रहा है, मैं और करें यहाँ पे है, और ये बहुत ज्यादा यम्मी है और हमने चोरी कर ली है, बाद में हमें गालियाँ पड़ सकती है, बट इट्स ओके। अब इसको रख के फटाफट, चलो हमने तो कुछ किया ही नहीं। चलो चलो अभी इसको खा के अब जाएंगे हम सीधा नीचे जहाँ पे मेन फंक्शन हो रहा है, क्योंकि आज रात का मेन इवेंट है, तो हम वो मिस नहीं कर सकते। बाय।